आज हम सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और टॉपिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो बेबी रहता है उस बेबी के अंदर लंग्स के अंदर उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की एक्सेस हो जाती है। अब हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ अ सिंड्रोम ऑफ प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक प्रीमेच्योर न्यूनेट्स का सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ओके, एंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव और यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर। ये धीरे धीरे करके या रेस्पिरेटरी फेलियर के वजह से हो सकता है और रिजल्टिंग फ्रॉम इमेच्योर लंग, मतलब लंग्स हमारे जो हैं इमेच्योर, मतलब मैच्योर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। ये हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलें या इटियोलॉजिकल फैक्टर बोलें इनको, यानी कि या कारण बोलें, इन कारणों के वजह से कुछ ये डिसीज़ हो सकती है। लाइक प्रीमेच्योरिटी है। प्रीमेच्योरिटी एक ऐसा कारण है जिसमें बेबीज़ 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले डिलीवर हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसके वजह से हो सकता है। एंड दूसरा कारण है लो बर्थ वेट बेबी, जिनका बर्थ वेट जैसे नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 to 3 kg या 3.5 kg होता है नॉर्मल बर्थ वेट, उस बर्थ वेट से कम अगर बेबी डिलीवर हो रहे हैं, लाइक 2.5 kg से कम डिलीवर हो रहे हैं, तो उन बेबी को हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है ये। एंड एस्फाइक्सिया के वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू दी बॉडी के अंदर बेबी का जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बेबी को लाइक सफोकेशन लाइक फील होता है, उसके वजह से भी हो सकता है। एंड मैटरनल डायबिटीज़, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उस कंडीशन के वजह से भी ये हो सकता है। एंड प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी की जो लेयर है, रेस्पिरेशन की जो लेयर है, उसका लंबे टाइम से अगर लॉन्ग टाइम से उसका रप्चर हो गया है, उस मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स थे। अब हम आते हैं अपनी पैथोफिजियोलॉजी पर। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू द प्रीमेच्योर, मतलब लंग्स फेलियर की वजह से जो प्रीमेच्योर बेबी, इन प्रीमेच्योर बेबी के अंदर इमेच्योर लंग हो जाते हैं। इमेच्योर लंग होने की वजह से जो सर्फेक्टेंट रहता है बॉडी के अंदर, जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट रहता है लंग्स के अंदर, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई के अंदर एक सर्फेक्टेंट प्रेजेंट रहता है, जैसे लाइक स्फिंगोमाइलिन, उस सर्फेक्टेंट का जो रेशियो रहता है, उस रेशियो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन के बीच का रेशियो रहता है, वो रेशियो होता है 2:1। तो उस रेशियो के एबनॉर्मल होने की वजह से हमारे जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाती हैं, एल्वियोलाई हमारी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं एल्वियोलाई, ठीक है। उसके वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स होने की वजह से बेबी के अंदर एटीलैक्टेसिस प्रेजेंट रहेगा। एटीलैक्टेसिस मतलब जो एल्वियोलाई रहती हैं वो हमारी एल्वियोलाई डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। और लंग्स भी हमारे इमेच्योर हो जाते हैं एटीलैक्टेसिस की वजह से, और बच्चे को डिस्निया होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, और टैकीपिनिया होता है, मतलब बेबी के अंदर क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू दी इन कंडीशनों की वजह से एटीलैक्टेसिस, डिस्निया एंड टैकीपिनिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा बच्चे को। हाइपोक्सिया मीन्स जो ऑक्सीजन की डिक्रीज, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बेबी के लंग्स के अंदर। एंड हाइपरकैपनिया होगा, जो बेबी के लंग्स रहते हैं उनके अंदर CO2 की एक्सेस हो जाती है हाइपरकैपनिया की कंडीशन में। इस हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया की वजह से पल्मोनरी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। पल्मोनरी की ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं पल्मोनरी के जो ब्लड वेसल्स हैं। एंड सेंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है हमारा, उसमें नॉर्मली जो ब्लड रहता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा एओर्टा के अंदर जाता है, एंड एओर्टा से ब्लड हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सफ़र करता है, लाइक पैरों में हो गया, हमारे हाथों में हो गया, माइंड के अंदर हो गया, सब जगह वहाँ से ब्लड सफ़र करता है। अब इस कंडीशन में एबनॉर्मल कंडीशन होने की वजह से जो ब्लड है, ब्लड हमारा पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन वैसे बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे राइट लंग्स को ब्लड देती है एंड लेफ्ट लंग को ब्लड देती है,
तो वहाँ से ब्लड जब शुद्ध हो जाता है वो मतलब अशुद्ध ब्लड देती है, और वो ब्लड शुद्ध होके फिर बाद में लंग्स में आता है, देन एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। ये ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होने की वजह से जो ब्लड है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के वजह से पल्मोनरी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसके वजह से जो पल्मोनरी का ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, उस कम होने की वजह से, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से नेक्रोसिस ऑफ सर्फेक्टेंट सेल्स, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट रहता है उस सर्फेक्टेंट की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब वो सर्फेक्टेंट जो है कम हो जाता है। उस कम सर्फेक्टेंट के कम होने की वजह से जो एल्वियोलाई रहती है, एल्वियोलाई सेल्स रहती हैं, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं। उनके सिकुड़ने की वजह से एक प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है, जो प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है उसका इफ्यूजन हो जाता है, मीन्स इफ्यूजन मीन्स एक पानी सा टाइप का। तो वो जो प्रोटीन लाइक मटेरियल है वो एल्वियोलार स्पेस रहता है, जिसके अंदर लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो था 2:1 वो प्रेजेंट रहता है। वो रेशियो ना होकर उसमें एक प्रोटीन लाइक मटेरियल एल्वियोलार स्पेस के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, और इस कंडीशन की वजह से RDS कॉज होता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज होता है। ठीक है, अब हम ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी हो गई, अब हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, सिंपल। ठीक है, डिसीज़ की वजह से, इस डिसीज़ की वजह से कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे रैपिड और सैलो ब्रीथ हो गई, मतलब एकदम तेज 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 सांस ले रहे हैं हम, और तेज 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 सांस हो रही है, कभी कम 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 सांस हो रही है, इस टाइप से सांस हो जाती है हमारी। एंड एक्सपिरेटरी ऑडिबल ग्रंटिंग, मतलब जब भी हम स्टेथोस्कोप के थ्रू साउंड सुनते हैं लंग्स पर, स्टेथोस्कोप को रख के वहाँ पर जब भी हम साउंड सुनते हैं तो वो साउंड क्या है, ग्रंटिंग साउंड आता है। मतलब जब भी साउंड सुनते हैं, जो नॉर्मल साउंड, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल साउंड आता है, एंड इस कंडीशन के अंदर जो साउंड आता है वो लो हियरिंग साउंड आता है, मतलब कम साउंड आता है। और नेक्स्ट कंडीशन में इसमें डिस्निया भी हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और इंटरकोस्टल और सबकोस्टल का रिट्रैक्शन हो जाता है। इंटरकोस्टल मीन्स जो जो रिप्स रहती हैं, रिप्स के बीच का जो स्पेस रहता है उस स्पेस का, और जो सबकोस्टल मतलब जो रिप्स रहती हैं, रिप्स के नीचे का जो स्पेस होता है वो श्रिंक कर जाता है, वो स्पेस क्या है, रिट्रैक्शन हो जाता है उसका, श्रिंक हो जाता है वो स्पेस। एंड इंक्रीजिंग साइनोसिस, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एंड CO2 इंक्रीज होने की वजह से वो साइनोसिस हो जाती है, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी पर, पूरे हाथ पर, एक्सट्रीमिटीज़ पर एंड पेरीफेरी पर, इन सब में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। ठीक है, जिनके अंदर हमने रैपिड सैलो ब्रीथ, एक्सपायरेटरी ऑडिबल ग्रंटिंग, डिस्निया एंड इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शन एंड इंक्रीजिंग साइनोसिस के बारे में डील किया या पढ़ा। देन हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के अंदर हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गया, और हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक शुद्ध एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो एल्वियोलाई हमारी कोलेप्स ना करें, वो एल्वियोलाई एक पेटेंट उनका साइज बना रहे, डायमीटर उनका कम नहीं हो, एल्वियोलाई कोलेप्स नहीं करें, तो हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे। एंड पेशेंट की AVG मॉनिटर कर लेते हैं। AVG मींस आर्टीरियल ब्लड गैस, मतलब उसके अंदर CO2 का, ऑक्सीजन का एंड सोडियम पोटेशियम सबके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो वो हम आर्टीरियल ब्लड गैस मॉनिटर कर लेंगे। एंड मेंटेन दी नॉर्मोथर्मिया, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।